मतीज, सिएलो और नेक्सिया जैसी कारें बनाने वाली कोरियाई कंपनी डेवू मोटर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एसजी अवस्थी और कंपनी के उपप्रबंध निदेशक बीएस मिन ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनके इस्तीफे की खबर से कॉरपोरेट जगत में हलचल मच गई। हालांकि इन दोनों ने अपना इस्तीफा 14 अक्टूबर को ही डेवू मोटर्स के सियोल स्थित मुख्यालय भेज दिया था, लेकिन इसका खुलासा कल हुआ। डेवू ने यहां स्वतंत्र रूप से अपना ऑपरेशन 1995 में शुरू किया। सबसे पहले कंपनी ने सिएलो कार लॉन्च किया, इसके बाद छोटी कार मतीज और फिर मध्यम कार नेक्सिया लेकर आई। कंपनी अब तक यहां 4,000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है। इस पूरे ऑपरेशन में एसजी अवस्थी नेतृत्व की भूमिका में थे, इसलिए उनके इस्तीफे से हलचल स्वाभाविक है। डेवू मोटर्स का प्रबंधन जनरल मोटर्स के हाथों में जाने के बाद कंपनी के रणनीतिक पदों पर फेरबदल स्वाभाविक है। अवस्थी ने अपने इस्तीफे में भी कहा है कि कंपनी को भविष्य में कई रणनीतिक निर्णय लेने हैं जिसमें उनकी कोई भूमिका नहीं होगी। फिलहाल अवस्थी और मिन 30 नवंबर तक अपने पदों पर बने रहेंगे। कंपनी ने अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। अब कोरियाई प्रबंधन डेवू मोटर्स इंडिया लिमिटेड के लिए क्या रणनीति बनाती है, यह आने वाला समय ही बताएगा।